हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पीज किचन। हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिठाई का चलन है। कोई भी खाना हो, मिठाई के बिना अधूरा समझा जाता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला सेम कलर होता है, वो भी वाइट, सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट। तो आज हम बनाते हैं रसगुल्ला बनाने की रेसिपी नहीं, हम आज रसगुल्ला बनाने की रेसिपी नहीं लेकर आए हैं। हम उन्हीं बने बनाए रसगुल्ले में चार नए फ्यूजन डालने आए हैं। अलग टेस्ट, अलग कलर और अलग टेक्सचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्यूजन हमने गैस पर पैन रख लिया है, गैस को ऑन कर देंगे और ये चाशनी इसमें हम डाल देंगे। साथ में डाल देंगे ये पालक। ये हमने पालक लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसी में हम डाल देंगे ये रसगुल्ले। इनको गरम होने देंगे। देखिए इसमें आ गया ये ग्रीन कलर। अब हम रसगुल्ले अलग निकाल लेते हैं। हमने रसगुल्ले अलग बाउल में निकाल दिए हैं। अब हम इसमें छान देंगे इसकी चाशनी। एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें ये रस को हम छान देंगे। लीजिए, हमारा फर्स्ट फ्यूजन तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं अपना सेकंड फ्यूजन। हमने गैस पर पैन रख लिया है, उसमें चाशनी डाल दी है। सेकंड फ्यूजन में हम डालेंगे केसर। ये हमने दूध में भिगाकर केसर रखा था, अब इसमें हम डाल देंगे अपने गुलाब जामुन, सॉरी रसगुल्ले। इसको अच्छे से आगे पीछे कर देंगे। इस बार हमको चाशनी बहुत ज्यादा गर्म नहीं करनी है, हल्का सा गर्म होने पर ही हमारा काम हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलर इस पर आ गया है। हम गैस को कर देंगे तुरंत बंद। रसगुल्ले हम बाउल में निकाल लेंगे। थर्ड फ्यूजन है, हमने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब गुड़। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इस गुड़ को इस चाशनी में हम डाल देंगे। इसका भी अलग फ्लेवर आता है। गुड़ को मेल्ट होने देंगे। गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तभी हम इसमें डाल देंगे अपने रसगुल्ले। लीजिए, हमारा ये थर्ड फ्यूजन भी तैयार हो चुका है। बहुत ज्यादा हमें उबाला नहीं लेना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाता है बस गैस हम बंद कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे ये रसगुल्ले। गैस बंद कर देते हैं, अपने रसगुल्ले हम निकाल लेते हैं। हमारा चौथा और लास्ट फ्यूजन है, ये हमने चाशनी पलट दी, गैस को कर दिया ऑन। ये एकदम इतना आप सोच भी नहीं पाएंगे, मैं इसमें बीटरूट डाली हूँ यानी कि चुकंदर। एकदम अलग हटकर कलर आएगा और टेस्ट भी बहुत
यमी। जैसे इसमें कलर आ जाएगा तभी हम इसमें डाल देंगे अपने रसगुल्ले। देखिए चुकंदर अपना काम करने लगे हैं। देखिए चुकंदर का कलर आ चुका है। अब हम चुकंदर निकाल देते हैं इसमें से, इनको निकाल कर साइड कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने रसगुल्ले। देखिए मैंने कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, सारी आपके सामने हैं वेजिटेबल्स एंड गुड़। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारा लास्ट फ्यूजन पिंक कलर का, वो भी रूट रूट का। इसका भी टेस्ट बहुत कमाल का होता है। चलिए इनको भी हम निकाल कर पलट लेते हैं। लीजिए तैयार है हमारे चार अलग अलग फ्यूजन। मैंने किसी में भी कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। ये हमारा बीटरूट यानी कि चुकंदर का, ये हमारा केसर का, ये हमारा गुड़ का और ये है हमारा पालक का फ्यूजन। मैंने किसी में भी कोई कलर ऐड नहीं किया है। अगर आपको ये फ्यूजन पसंद आता है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे पास ऐसे ही और भी 20 फ्यूजन और हैं। अगर आपको पसंद आए तो जरूर मुझे कमेंट्स कीजिए। देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी है। मैंने हेल्थ को देखते हुए कोई भी कलर यूज नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपने घर में पालक, ब्रूटूट और केसर और गुड़, चारों ही हेल्दी चीज़ों से ये बनाए हुए हैं। जरूरी नहीं है हम घर पर ही सारे रसगुल्ले बनाएं, आप घर पर भी बना रहे हैं तब भी ये फ्यूजन यूज कर सकते हैं, मार्केट से भी ला रहे हैं तो आप ऐसे ही चार फ्यूजन के साथ अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। खाने में भी टेस्टी, देखने में भी। देखने में जब कोई चीज टेस्टी लगती है या देखने में अट्रैक्ट करती है तो हम उसको खाने को जरूर ललायत होते हैं। तो आपको ये फ्यूजन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।